हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू TMS होम बेस्ड एजुकेशन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है 8, 9 और 10 वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इज इट इज द रेट ऑफ 12%। मतलब बच्चों, सेल्स टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है, जो गवर्नमेंट को जो कस्टमर होते हैं वही पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13,000 रुपये की कोई टीवी ली है, तो उसके ऊपर अगर वो 13,000 रुपये में बेच रहा है तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाते हैं उसको कहते हैं सेल टैक्स, बरोबर। वो आपको दिया गया है, वो कस्टमर को ही पे करना होता है। जैसे कि आप अभी नाउडेज GST आ गया, CGST आ गया, बरोबर। तो ये जो सभी टैक्स है वो कौन पे करता है, गवर्नमेंट, सॉरी कस्टमर पे करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये जो 12% पैसा जाएगा किसके ऊपर, 13,000 के ऊपर जितना भी टैक्स लग रहा है, 12% लग रहा है, किसको जाएगा, गवर्नमेंट को पे करेंगे, बरोबर। फाइंड द अमाउंट ऑफ द विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो विनोद को कितना पे करना पड़ेगा अगर ये उसको टीवी खरीदना है तो। कोई बात नहीं, चलिए बच्चों कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, तो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कितना रुपीस दिया गया, उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है कितनी, 13,000। उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है कितना, 12%। किसके ऊपर लग रहा है, 13,000 के ऊपर। देयरफॉर सेल टैक्स कितना लग रहा है वो पता कैसे चलेगा, 12% किसके ऊपर, 13,000 के ऊपर अपॉन 100, यहाँ से जीरो कट, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, वैदिक मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, 1 1 ज़ा 1, 2 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 और 3 ये 5, और 3 2 ज़ा 6, तो 1 5 6, ओके। और 0 का 0, 1 5 6 0। इसका मतलब अगर मैं 13,000 की कोई टीवी ले रहा हूँ और उसके ऊपर से जो सेल टैक्स 12% है, तो मुझे 1,560 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। देयरफॉर विनोद हैव टू पे इज इक्वल टू 13,000 तो टीवी के थे ही, प्लस 1,560 रुपीज़ किसको, टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 का 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 1 4 और 1। इसका मतलब उसको टीवी खरीदना होगा तो टीवी तो कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 14,560 रुपीज़ इसको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, अमाउंट अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट द सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। मतलब कोई अरुण है, बरोबर, उसको स्केटिंग, बरोबर, स्केट लेने थे, वहाँ पर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 20%। इफ द अमाउंट ही पेज 1,600, फाइंड द मार्केट प्राइस। मतलब कि अगर वो 1,600 रुपीज पे करेगा तो उसकी MRP कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे जैसे कि मैं कोई एक जीन्स खरीद रहा हूँ, बरोबर, जीन्स मैंने लिया 1,000 रुपये में, तो इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा था कितना, 20% का। तो वो कितने में खरीदी होगी, मतलब MRP के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो मुझे 1,000 रुपये में मिल रही थी। तो यहाँ पे जो MRP का टैग था, बरोबर, वो कितने का था, टैग कितने रुपीज़ का था, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट जस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो SP ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स, बरोबर, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स कितनी थी, 1,600, बरोबर, 1,600। उसमें मुझे बेचा ना, कितने में मुझे बेचा, 1,600 रुपीज़ में। तो अभी जो उसकी मार्केट प्राइस, बरोबर, सॉरी मार्केट नहीं, मार्क MRP मार्केट प्राइस क्या थी, उसके जो टैग लगा था, बरोबर, उसके ऊपर सपोज मुझे पता नहीं तो मैंने क्या खर्च कर दिया, उसके ऊपर X लग रहा है, डिस्काउंट कितना रुपीज़ मिल रहा था बच्चों, उसको डिस्काउंट उसको मिल रहा था 20%। याद रखना, डिस्काउंट ऑलवेज MRP सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस है उसके ऊपर ही मिलता है। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा था, 20%। तो फाइंड आउट कर लेते, 20%, बरोबर, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना मिल रहा था, 20 अपॉन 100, किसके ऊपर, MRP के ऊपर। तो यहाँ से 0 0 का, 2 5 10, मतलब डिस्काउंट मिल रहा था X upon 5 rupees का डिस्काउंट मिल रहा था। रेडी ना बच्चों, फाइंड आउट क्या करना है मुझे, तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दूं,
तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलती है। सेलिंग प्राइस कब मिलेगी मुझे, जब मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे पता चलेगा ना कितने रुपये में मैंने बेची है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई चीज़ बेची है 10 रुपये में, बरोबर, और उसके ऊपर डिस्काउंट लग रहा है 5 रुपीज़, मैंने आपको 5 रुपीज़ डिस्काउंट दे दो, कितने रुपीज़ में उसका जो MRP हो कितनी होगी, क्योंकि ऑफकोर्स 5 रुपीज़ की, सॉरी 10 रुपीज़ की, समझ में आ रहा है, बेचा किस कितने में मैंने आपको 5 रुपीज़ में। जो चीज़ आपको लेने आए थे मेरे पास, सपोज एक पेंसिल लेने आए थे, उसकी जो MRP थी मुझे पता नहीं है, उसके ऊपर कितने रुपीज़ टैग लगा था वो पता नहीं है, तो वो पेंसिल मैंने आपको 5 रुपये में बेची, बरोबर, और उसके ऊपर 5 रुपये में बेची, 5 रुपये में बेच रहा हूँ, कब मैंने आपको डिस्काउंट दिया 5 रुपीज़ का, तो ऑफकोर्स तो कितने रुपीज़ की वो पेंसिल होगी, 10 रुपये की होगी, तभी मैंने आपको 5 रुपये में बेचा ना, और डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दे रहा था, 5 रुपीज़ का। तो यहाँ पे MRP मतलब मार्क प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, वो तो एक्स थी, डिस्काउंट कितना दे रहा था मैं X/5 का, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1600। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, LCM ले लो 5 × x, ये आपका हो जाएगा 5x, यहाँ से -x/5=1600। नाउ 5x में से x तो कितने बचेंगे बच्चों, 4x, और यहाँ से ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड, तो 1600 × 5, ओके, और यहाँ से x = जो 4 है कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 1600 × 5/4, यहाँ से ये कट हो जाएगा 4 × 4 = 16, तो यहाँ से 400 × 5, तो ये आपका हो जाएगा x = 5 × 4 = 20, और 2 0, इसका मतलब बच्चों वो जो MRP, वो जो स्केच के ऊपर जो MRP का टैग लगेगा वो कितने रुपीज़ का लगेगा, 2000 रुपीज़ का लगेगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन नंबर टेन क्या बच्चों, आई परचेस अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, बरोबर, अभी हमने सेल्स टैक्स पढ़ा था, तो अभी इसको वैल्यू एडेड टैक्स करते हैं, उसमें ऑलरेडी एड किया होता है, बरोबर, आपको बताते नहीं कि इसके ऊपर 12% देना है, 3% देना है, 4% देना है, ऑलरेडी उसमें एड कर दिया है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड, मतलब मुझे प्राइस फाइंड आउट करनी है जब उसका वेट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स एड नहीं किया, उससे पहले की मुझे प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कोई बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसे आपको पता चलना चाहिए कि क्या किस तरह से मेथड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस दे दी है कितनी, 5400, इसमें ऑलरेडी 8% जो वैल्यू एडेड टैक्स था ना वो इंक्लूड कर दिया है, बरोबर, 8%। सपोज बच्चों लेट द प्राइस बिफोर वेट, मतलब जो प्राइस है, प्राइस बरोबर वैल्यू एडेड टैक्स के पहले की जो प्राइस है वो सपोज एक्स है, मैंने एक्स कंसिडर किया है, तो उसके ऊपर से जो वेट लगेगा, बरोबर, कितने रुपीज़ का वेट लगेगा, वो तो ऑलवेज का किसके ऊपर लगेगा बच्चों, जो प्राइस के ऊपर ही लगेगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई MRP और कॉस्ट प्राइस के ऊपर लग रहा था, कितने परसेंटेज, 8/100 × x, यहाँ से आपका 25 जा, यहाँ से 4 × 2 जा, तो यहाँ से 4 कट, तो आपका 2x/25, मतलब इतने रुपीज़ का वेट लग रहा है। नाउ सेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्राइस प्लस वैल्यू एडेड टैक्स = 5400, जो प्राइस थी प्लस वैल्यू एडेड टैक्स होगा तभी आपको ये सेलिंग प्राइस मिलेगी ना। नाउ प्राइस कितनी थी बच्चों, एक्स प्लस वैल्यू एडेड टैक्स कितना था, 2x/25, 5400, यहाँ से LCM लेंगे तो 25x+2x/25=5400, ओके, सो यहाँ से 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 + 2x = 27x = 5400, मल्टीप्लाई बाय 25, देयरफॉर x = 5400 × 25, ओके, सो x यहाँ से 27 × 2 = 54 होता है, देयरफॉर x = 200 × 25, 25 × 2 = 50 + 2 = 50 + 2 = 0, इसका मतलब जो प्राइस थी, बरोबर, जो मैंने जो क्या खरीदना था मुझे, हाँ, जो कोई पर्चे हेयर ड्रायर थी, वो हेयर ड्रायर की जो ओरिजिनल प्राइस क्या थी बच्चों, मतलब ओरिजिनल प्राइस उसकी जो मार्क प्राइस जो प्राइस थी वो 5000 थी, और उसके ऊपर 400 का वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा था, इसलिए वो आपको 5400 रुपीज़ में बेच रहा था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बरोबर,
जो एफ डी करवाते हैं आपके पेरेंट्स, बरोबर, कि आपका जो सेविंग अकाउंट में जो बैंक हो सॉरी सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, उसके ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बरोबर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल देन जय हिंद।